बिना नमानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। Why India is aggressive? Why India believes के मुझे aggressive होना है? मतलब क्या है logic behind, since Prime Minister Modi is in power, तो India assert कर रहा है या India aggressive हो रहा है? अगर इंडिया किसी दोस्त मुल्क से भी मिलने अगर गया है और डिस्कशन चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बैठे हैं, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बैठे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को यह पता होना चाहिए कि पीछे समुद्र में कहीं ना कहीं INS अरिहंत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान अब ये आरोप लगा रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से जो भारत है वो अग्रेसिव हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने आतंकवादियों को माफ़ करना छोड़ दिया, और इसीलिए पाकिस्तान को लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी जो है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, भारत ने कई तरक्की देशों के साथ अपने संबंध जो हैं वो इतने अच्छे किए हैं कि आज सुपर पावर जैसा देश जो है वो भारत को दबाव नहीं डाल पा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का एक सबसे बड़ा सबूत उसी समय मिल गया जब यूक्रेन और रशिया का जंग हो रहा था, उस समय सुपर पावर देश ने बाकी बहुत सारे मुल्कों पर दबाव बनाया, लेकिन वो भारत पर दबाव नहीं बना पाया। इससे साफ पता चलता है कि भारत की ताकत कितनी बढ़ चुकी है, और पाकिस्तानी मीडिया तो लगातार भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करता ही है, और इसी तारीफ की वजह से है कि आज जो भारत है वो इतना अग्रेसिव है कि कोई भी अगर हम पे अटैक करेगा तो हम उसका जवाब फौरन देंगे, हम सोचते नहीं हैं। सीधा ये नरेंद्र मोदी जी का ही कहना है। अच्छा, इंडिया करता कैसे है? इंडिया आज से नहीं कर रहा चीमा साहब, अभी थोड़ा सा क्या है कि इंडिया एग्रेसिवली करने लगा है जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, तब से एग्रेसिव हो गया है इंडिया। लोग ऐसा अज्यूम करते थे कि इंडिया सोवियत ब्लॉक में है, जैसे आज लोग अज्यूम करते हैं कि इंडिया वेस्टर्न ब्लॉक में है। इंडिया ना पहले किसी के ब्लॉक में था ना आज किसी के ब्लॉक में है। इंडिया तब भी नॉन अलाइंड मीट की बात करता था, पहले नॉन अलाइंड नेशंस को लेकर इंडिया चलता था। आज भी इंडिया न्यूट्रल इसीलिए है क्योंकि इसमें डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री वैल्यू इसी में है। या तो फिर ऐसा मामला बिल्कुल यूरोपियन यूनियन जैसा मामला हो, जहां पे फिर क्योंकि आपका आपकी तारीख, आपका इतिहास ऐसा रहा हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, हजार साल से लड़ाइयां चल रही हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, फिर बोला कि साहब अभी शांति वांति चाहिए, अमन चाहिए, कोई झगड़ा झगड़ा नहीं करना, चलो मिलकर एक यूरोपियन यूनियन बनाते हैं, ठीक है। तो सब आपस में फिर बोला कि नहीं, वीजा भी हटा दो, ये भी हटा दो, सब कुछ हटा दो, शेंगेन का एक वीजा लगा हर एक मुल्क में, आप छोड़ के इंग्लैंड आप हर एक मुल्क में जाइए, दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो वैसा हो, अगर वैसा नहीं है तो आई थिंक न्यूट्रलिटी इज द बेस्ट बेट। इसलिए इंडिया कर रहा है, प्रेशर इंडिया को बहुत पड़ा है। आपने S-400 का जिक्र करा, S-400 का जबरदस्त प्रेशर आया, कैटसा की बात हुई, यू नो इट बेटर देन मी चीमा साहब, कैटसा की बात हुई कि इंडिया के ऊपर हम ना रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ये कर दो। इंडिया ने बोला लगा दो यार, देखते हैं, लगा दो। चाइना ने बहुत धमकाने की कोशिश करी, तुम अगर ये करोगे तो हम ये कर देंगे, कर दो यार, तुम देखते हैं क्या करते हैं। हम भी तो देखें ना, हमने ईरान से तब तेल खरीदा जब दुनिया नहीं खरीद रही थी डर के मारे, और जरूरत नहीं थी भारत को ईरान से तेल खरीदने की, उस समय जरूरत नहीं थी, ठीक है। आज की तारीख में ठीक है, हमें सस्ता तेल मिल रहा है, नो डाउट हमें सस्ता तेल मिल रहा है, बट इंडिया का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि सिर्फ सस्ता तेल मिल रहा है, ये तो एक बड़ा मकसद है, इसमें कोई शक ही नहीं है चीमा साहब। इतना सस्ता मिलेगा तो कौन मना करेगा, आप ना मैं ना कोई, कोई मना नहीं करेगा दुनिया में, इतना सस्ता तेल मिलेगा, एवरीबडी विल बाय इट। द रीजन इज नंबर टू रीजन, नंबर वन रीजन इज इकोनॉमिक, नंबर टू रीजन इज ऑल्सो दैट इंडिया वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बॉस एक मिनट ठंड रखो, हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे, हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। अमेरिका ने बोला कि हम आपको स्टेट ऑफ द आर्ट, वो पेट्रियट शेट्रियट जो भी मिसाइल है, हम आपको स्टेट ऑफ द आर्ट दे देते हैं। यहां तक कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई, स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स, इंडिया स्टिल वेंट अहेड एंड बॉट द S-400, इंडिया S-500 भी खरीदेगा। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये भारत पे आरोप लगा रही है कि जब से PM नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, तब से जो भारत है वो अग्रेसिव है। दोस्तों, पाकिस्तान को बात तो ये बात पता चल चुका है कि आज वो भारत के सामने कहीं पर भी खड़ा होता हुआ नज़र नहीं आता है, और इसीलिए पाकिस्तान लगातार भारत से बातचीत और जो रिलेशन है उसको अच्छा करने की बातें कर रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 5 साल पहले तक, अभी आप तीन साल पहले तक ही आप देखिए कि जो पाकिस्तान है वो कितना ज़्यादा जो है वो भारत पर लगातार अटैक किया करता था, बयान के जरिए या फिर उनके जो नेता हैं
वो बयान दिया करते थे। लेकिन जिस तरीके से 2 से 3 सालों के अंदर पाकिस्तान की जो व्यवस्था है वो चरमराई है, पाकिस्तान की जो GDP है वो ख़राब हुई है, अब पाकिस्तान जो है वो भारत के सामने घुटने पर आ गया है। और यही पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने अपनी GDP अच्छा नहीं किया, और आज इसीलिए ये हालत है कि वो IMF के सामने घुटने टेक चुके हैं। और IMF जो है उसने साफ तरीके से कहा है कि अगर आपको हमसे पैसे लेने हैं तो आपको जो पाकिस्तानी आर्मी है जो बजट बनता है उसमें जो पैसे है उसकी कटौती करनी पड़ेगी। यानी कि अब पाकिस्तानी फौज जो है वो भी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, और इसीलिए पाकिस्तानी फौज भी बहुत अच्छे तरीके जानती है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज कमज़ोर होती जा रही है और भारत की जो आर्मी है वो लगातार मजबूत होती जा रही है, इसलिए आज बाजवा भी भारत के सामने कहीं ना कहीं घुटने टेक चुका है। वैसे बाजवा इन सब चीज़ों पर बयान नहीं देता, क्योंकि आपको पता होगा कि आर्मी की तरफ से अगर बयान दिया जाए तो फिर पाकिस्तानियों का जो थोड़ा बहुत अभी भी पाकिस्तानी आर्मी पर एक विश्वास है वो भी ख़त्म हो जाएगा।